बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग ट्रक मालिक संघ द्वारा विवादास्पद शासकीय भूमि पर संघ की भूमि होना बताकर बोर्ड लगाकर कब्जा दिखाए जाने की मिली जानकारी शिकायत पर पहुंचे निगम अधिकारियों के साथ ट्रक मालिक संघ से हुआ विवाद, जिसके चलते आक्रोशित ट्रक संघ के लोगों ने धमदा मार्ग को चक्का जाम कर विरोध जताया। धमदा मार्ग पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में दुर्ग ट्रक मालिक संघ द्वारा लगभग 7.5 एकड़ शासकीय भूमि पर संघ की भूमि बताकर बोर्ड लगाकर कब्जा दिखाए जाने की मिली शिकायत पर मंगलवार को दुर्ग निगम अधिकारी गिरीश दीवान, दुर्गेश गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बोर्ड को हटाने की बात की, जिससे नाराज दुर्ग ट्रक मालिक संघ द्वारा इस भूमि को नगर पालिका निगम द्वारा दुर्ग ट्रक मालिक संघ को अस्थायी ट्रांसपोर्ट नगर सन 2006 को तत्कालीन महापौर सरोज पांडे द्वारा दिया गया था, जिस पर संघ विगत 15 वर्षों से अस्थायी रूप से काबिज भी है। साथ ही ट्रांसपोर्ट संबंधी कार्यालय संचालित यहां किया जा रहा है। इसी कड़ी में भूमि को लेकर हुए विवाद इतना बढ़ गया कि ट्रक संघ के लोगों द्वारा मुख्य धमदा मार्ग को करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन कर बाधित रखा गया। कब्जा करने के लिए निगम के अधिकारी लोग के साथ में आपके चैम्बर में बैठा है, आप बताइए हम गलत है कि वो गलत है? मेरी पर्सनल संपत्ति है क्या सर? वो सरकारी भूमि है जिसका खसरा नंबर मैंने लिखा है और वो नगर निगम के अधिकारी जब बोर्ड हटाने की कार्रवाई करने लगे तभी गुस्साए लोगों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जताना शुरू कर दिया, साथ ही सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम अधिकारियों को पुलिस की मौजूदगी में वहां से हटाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने भीड़ को तितर बितर कर बाधित सड़क जाम को हटाकर सड़क को खाली करवाया। इस संबंध में मीडिया को ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष व एडिशनल एसपी साथ ही निगम के अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 12 तारीख को आवेदक परमिंदर सिंह ने आवेदन दिया था कि ट्रक मालिक एसोसिएशन ने एक बोर्ड लगाया है जिसमें नगर निगम दुर्ग द्वारा प्रदत्त ट्रांसपोर्ट नगर को ट्रक मालिक एसोसिएशन जो द्वारा जो है प्रदत्त बताया था, तो उस संबंध में जानकारी चाहिए थी और यदि उनको ये था कि यदि वो नगर निगम दुर्ग ने ये ऐसा नहीं किया है तो वो बोर्ड को हटाया जाएगा। उस समय तत्कालीन कमिश्नर जो है तिवारी साहब ने हमें निर्देश दिया था कि उस संबंध में कार्रवाई करे करके, तो उनको विधिवत उनको नोटिस जारी किया गया। दिनांक 20 तारीख को नोटिस जारी किया गया और 20 तारीख के बाद जो है कमिश्नर साहब ने आदेश दिया था कि उनसे चर्चा करके वो जो विवादास्पद बोर्ड है उसको हटवा दो। तो हम लोगों ने एसोसिएशन के मालिक से वहाँ जा कर संपर्क किया, संपर्क करने के बाद उनसे बात की तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं नहीं हटवा पाऊँगा, आपको जैसा करना है आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये आज की स्थिति जब आज हम लोगों ने गए, हम लोगों ने वहाँ पर दुर्गेश गुप्ता अतिक्रमण अधिकारी और मैं और हमारे टीम साथ में गई कमिश्नर साहब के निर्देश पर, तो हटाने के दौरान जो है ना उनके द्वारा विरोध किया गया और विरोध करते करते मामला जो है फिर वो मतलब नगर निगम ने वो भद्राशाही नीति ये वो करके वो कुछ ज़्यादा ही उद्वेलित हो गए
और फिर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। फिर मैं दिखा सकता हूँ उनको 20 तारीख का नोटिस दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि वो एक पक्षी कार्रवाई नहीं की है, और उनको एक शालीनता से पेश आते हुए अपनी बात रखना था और उन्होंने दूरी प्रोग्राम चक्का जाम की कार्रवाई की। अपनी कुछ मांगों को लेकर मुजफ्फर आ गए और यहाँ पर तत्काल थाना प्रभारी और सबिशन का पहले वो आ गया था, इसके बाद हम भी एक्स्ट्रा बल लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुँचे और इनको समझाई देते हैं। नगर निगम से कुछ मांगे हैं और इनका हमारे साथ इतना था कि मैडम भी यहाँ पर आई हुई है, इनका एक डेलीगेशन हम तैयार करवा रहे हैं, इनका डेलीगेशन तैयार हो रहा है, इनके डेलीगेशन महापौर जी से और नगर निगम के साथ मिलवा दें उनके बारे में हमारा विरोध। मेरे रहते हुए शासकीय भूमि को मैं घेरने नहीं दूंगा। वाले आए बिना इंटीमेशन दिए हमको और जीत से मार के हमारे बोर्ड को तोड़ा जा रहा है, हमारे द्वारा किया। ये चाहते सरकारी संपत्ति सरकारी बनी रहे, प्राइवेट निजी भूमि मत बने। लक्ष्मण तिवारी जी नोटिस दिए थे, उसका मैंने जाके जवाब दिया उनको। ट्रक मालिक संघ द्वारा भूमि को लेकर उपजा विवाद क्या रंग लाता है ये तो समय रहते पता चलेगा। बहरहाल प्रदर्शनकारियों ने देर तक प्रदर्शन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट।